देवसेना, इस महान साम्राज्य के बारे में अगर एक और अपशब्द भी निकाला। बड़ी बड़ी प्रतिमाओं और ऊंचे ऊंचे सिंहासनों से महान साम्राज्य नहीं बनता राजमाता, एक विशाल हृदय से बनता है। लगता है वो यहाँ किसी के पास नहीं, धिक्कार है। देख लिया महाराज, आपके सामने इतनी निर्लज्जता के साथ बात कर रही हैं, तो सोचिए मेरे सामने आपके बारे में कितनी तुच्छ बातें कही होंगी। सोच के देखिए महाराज। वास्तव में क्या हुआ था बताओ सेतुपति। शिवालय भक्तों से भरा हुआ था महाराज, देवसेना भी वहां दर्शन के लिए आई, तभी आपके आने का समय हो गया था, तो मैंने उनसे कहा कि वो मुख्य द्वार की जगह दूसरे द्वार से आए। बाहु, ये क्या व्यवहार है, तुम पीड़ित को धमका रहे हो। विनती करने से सच बाहर नहीं आएगा महाराज। अपनी हद पार कर रहे हो बाहुबली। एक गर्भवती को बेड़ियों के साथ खड़ा करके ये सभा पहले ही अपनी हद पार कर चुकी है माँ। चाहे गर्भवती हो या वृद्ध, तुम हो या मैं, न्याय विधान सब के लिए एक है। जानते भी हो क्या हुआ था? क्या हुआ था देवसेना? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया, अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियाँ काट दी। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियाँ नहीं काटते, काटते हैं उसका बाहुबली। ये दुस्साहस मेरी सभा में झूठ बोला तभी सेतुपति के शब्द लड़खड़ा गए, निर्दोष है तभी देवसेना ने निडर होकर सब सच कह दिया। सेतुपति दोषी साबित हुआ, उसका सर कट गया। बाहुबली, लिखे जो खत तुझे।